तुर्की का शहर कोनिया और यहाँ की वजह शोहरत है हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मजार। तुर्की का शहर कोनिया और यहाँ की वजह शोहरत है हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार। कब्र यहाँ पर, उनका इंतकाल यहाँ पर हुआ था तकरीबन 750 साल पहले। और ज़ाहिर है जो तसव्वुफ़ की दुनिया, जो सूफीज़म की दुनिया है, उसके बारे में कुछ भी कहा जाए, लिखा जाए, कोई सस्ती के बगैर, शख्सियत के बगैर, वो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लामा इकबाल से, अल्लामा इकबाल अपना अपना रूहानी पीर इनको कह चुके, और ख़ुद मौलाना जलालुद्दीन रूमी बहुत इंस्पायर थे हज़रत शाह शम्स तबरेज़ से। तो आए अब इस मज़ार की तरफ से। तो ये सहन है हज़रत मौलाना रूमी के मज़ार का। अकब में ये मस्जिद है, ये जो खूबसूरत हमारा आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है, ये मदरसा है, और इसमें ये लोग मदरसा कहते हैं। और यहीं पे हज़रत मौलाना रूमी के ज़ेर इस्तेमाल जो बहुत सारी चीज़ें थी वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। ये जो तहरीर आप देख रहे हैं खास, या हज़रत मौलाना, यहाँ से लोग इंटर होते हैं मज़ार की जाने के लिए। हज़रत मौलाना रूम पैदा हुए थे खुरासान में, बल्ख शहर था जो कि आज के अफ़गानिस्तान में आता है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई, और यहीं कोनिया में इनका इंतकाल हुआ। और रोम ज़ाहिर उस मकाम के हिसाब से है, लेकिन ये रोम वो इटली वाला रोम नहीं है, बल्कि ज़ाहिर ये इस इलाक़े की मुनासिबत से हज़रत मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रोमी, जिनका नाम मोहम्मद था, लक़ब जलालुद्दीन था, और ये फिर रोम की नस्बत से मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहलाते हैं। हिकायत रूमी आप सब ने, किसने नहीं सुनी होंगी, हिकायत सादी और हिकायत रूमी, और मसनवी रोम जो शायरी का एक अंदाज़ होता है, मसनवी फ़ारसी कलाम है, वो भी एक शाहकार है, क्या कहना उसको। ये मज़ार का अहाता है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का, और वो सूफिया इकराम से या सूफीज़म के माहौल में जब आप एक धुन जो तसव्वुर करते हैं, वो धुन मुसलसल आपको सुनाई देती है, अभी भी सुनाई देती है शायद अकब में। और ये धुन ने इस माहौल को बड़ा एक पुरकैफ और पुरसरूर बना रही थी। मुख्तलिफ कबूर हैं आप, और ये हज़रत मौलाना रूमी की कबूर है। ये है मौलाना रूमी के कब्र के बिल्कुल साथ ही, उनके मज़ार के बिल्कुल साथ ही, ये उनकी कुछ चीज़ें जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रहती हैं। मसलन ये मसनवी मौलाना रूम, मतलब किसी तारुफ़ के मोहताज ही नहीं है, ये उसका एक अक्स लगता है, मसनवी मौलवी। ये दीवान है, दीवाने कबीर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी। फिर यहाँ उनके ज़ेर इस्तेमाल जो लिबास थे उसका एक अलग चीज़ है। बिलोंग्स टू मेवलाना, जिस अंदाज से ये लिखते हैं, जुब्बा
मजार के ही दबर मुकाबला है। This is the key belonging to the silver gate at the entrance to the tomb. ये key है, ये वो चाबी है, belonging to the silver gate at the entrance of the tomb. Tomb के entrance पे जो gate है silver, उस key है तुम चाबी।